दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 129 और 130 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है टर्नओवर और तात्सुमा की फुल पावर। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि तात्सुमा के और साइकोस एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, उसके बाद किंग टेरियो को मिलता है, लेकिन वो पहले उसे मॉन्स्टर समझ लेता है, जिसकी वजह से तो असली मॉन्स्टर भाग ही जाता है। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन में ओरोची का हार्ट एलिमेंट फैलने लग जाता है, जो दूसरे मॉन्स्टर का खून पीकर अपने साइज को बढ़ा रहा था, और उसके ड्रैगन चारों तरफ से तात्सुमाकी पर अटैक कर रहे होते हैं, और लास्ट में साइकोस ओरोची की बॉडी में मिक्स हो जाती है और उसे सिर्फ हाफ कंट्रोल कर पाती है, और वो चीज साइतामा के सर पर भी चिपक जाती है, और साइतामा सिर्फ एक पंच में उस पूरी चीज को हिला डालता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं, जो डार्क शाइन पर लगातार अटैक कर रहा होता है, और डार्क शाइन सीधा दीवार पर जाकर टकराता है और सोचता है सिर्फ उसकी स्पीड नहीं बल्कि पावर भी बढ़ गई है। तभी डार्क शाइन गारो को एक पंच मारने जाता है, लेकिन गारो सिर्फ अपने एक थंब से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर डालता और डार्क शाइन के पास पहुंचकर उसकी बॉडी पर अटैक कर डालता, और डार्क शाइन तो पूरी दीवार को तोड़कर पीछे गिरता और आसपास की चीजें धूल में बदलने लगती है। और डार्क शाइन सोचता उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने मेरा इस्तेमाल करके अपनी टेक्निक्स को और भी मजबूत कर लिया है। तभी गारो बोलता, क्या हुआ डार्क शाइन, क्या तुम हीरो नहीं हो? मुझे तो लगा तुम यहाँ पर मेरे मॉन्स्टर प्ले को रोकने आए हो, लेकिन मैंने तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। और डार्क शाइन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद हमें डार्क शाइन के बारे में कुछ बताते हैं। सुपर वाला डार्क शाइन जब वो बच्चा था तो उसके कमजोर शरीर के कारण वो स्पोर्ट्स में फेल हो जाता। भले ही वो स्पोर्ट्स हो या जिम्नास्टिक, वो कोई भी गेम खेलता तो हार जाता, जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी भी तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाया और उसे अपना बचपन कमजोरों की तरह बिताना पड़ा। लेकिन उसके 15वें जन्मदिन पर उसने अपने माता पिता से गिफ्ट में 3 किलो का डंबल मांगा, और उसके बाद से वो हर रोज एक्सरसाइज करने लगा, और धीरे धीरे उसके डंबल का वेट बढ़ गया 5 किलो, फिर उसके बाद 10 किलो, और कुछ सालों के बाद तो वो 50 किलो का डंबल सिर्फ अपने एक हाथ से उठाता था। और जैसे टाइम बीतता गया तो उसके डंबल का वेट बढ़ता गया 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, और उसके कुछ सालों बाद उसकी बॉडी के अंदर कमाल की पावर आ जाती है, और उसके वेट उठाने की ताकत वहां तक पहुंच चुकी होती है कि डंबल का वेट तो सिर्फ उसके लिए एक नंबर रह गया। और उसने अपनी इस पावर से कई सारी बैटल को जीत लिया, जिसकी वजह से उसके अंदर कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है, और लोग कहते थे उसके मसल की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और कई सारी स्पोर्ट्स गेम और बैटल जीतने के बाद डार्क शाइन ने अपना ध्यान हीरो एसोसिएशन की तरफ बढ़ाया, और उसने अपनी ट्रेनिंग को भी जारी रखा, और वो लगातार बैटल जीतता गया और वो एस क्लास हीरो बन गया। और वो हमेशा ऐसा अपोनेंट ढूंढता जो उसे उसकी 100% पावर यूज करने पे मजबूर कर दे। लेकिन क्या आज वो फाइट करने को देख रहा है और गारो लगातार डार्क शाइन पर अटैक कर रहा होता है, तो डार्क शाइन बोलता है तुम्हें तो, और वो गारो को पंच मारने जाता है, लेकिन गारो के अटैक कारण उसे हिलने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है, और अपने हाथों से बॉडी को कवर करके रखता है और सोचता है ये बंदा गारो स्ट्रांग है, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और गारो डार्क शाइन पर अटैक करने लगता है, और डार्क शाइन अपनी पुरानी बात याद करता है और सोचता है मुझे ऐसा अपोनेंट चाहिए जिसके सामने मैं अपनी 100% पावर यूज कर सकूं। और अभी वाला डार्क शाइन सोचता है लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों आ रही है। और हमें बताते हैं कि आज वो फाइट की तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि वो ऐसी फाइट कभी नहीं देखना चाहता था जिसका नतीजा उसके हाथ में ना हो या फिर वो हार रहा। उसके दिमाग में ऐसा आने लगा कि वो अब बच के नहीं निकल पाएगा, और जिस डर को उसने कई सालों पहले बुला दिया था वो डर आज वापिस आ गया, और वो डर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और डार्क शाइन गारो को बहुत डरावने रूप में सोचता है, और डार्क शाइन बहुत जोर से चिल्लाता है, और वो अपना सुपर ओले डबल बाजू का पंच सीधा गारो के फेस पर मारता है, लेकिन गारो को कुछ भी नहीं होता, और गारो सीधा एक किक डार्क शाइन की बॉडी पर मारता है, और दूसरी किक में तो उसे सरफेस पर ही गिरा डालता है, और बोलता है डबल ईयर स्ट्राइक, और वो डार्क शाइन के कानों पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी गारो डार्क शाइन का फेस देखता है और उसे अपने बचपन की और टेरियो की कुछ यादें आ जाती है, जिसमें लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, और गारो अपने अटैक को रोक लेता है और जंप मारकर पीछे हट जाता है। और डार्क शाइन तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है, और गारो सोचता है ये इसने कैसी शक्ल बना के रखी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी इसे दूसरों की तरह चिढ़ा रहा हूँ, जो एविल मैं बनना चाहता हूँ वो इससे भी ज्यादा। तभी गारो को बॉडी पर दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, और अचानक डार्क शाइन एक बैरियर में बंद हो जाता है, और डार्क शाइन सोचता है ये तो बैरियर है, ये जरूर
सुमाकी ने बनाया होगा और वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डासन बोलता है, ऊपर का फ्लोर टूट रहा है। ओए गारो, यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, अगर तुम यहाँ पर रह गए तो तुम कुचले जाओगे। लेकिन गारो उठ नहीं पाता और वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं और डासन खुद से बहुत ज़्यादा नाराज होता है और सोचता है, मैंने ऐसे क्यों कहा। और वो उस बैरियर में बैठ कर ऊपर की तरफ जा रहा होता। अगले पैनल में हम फुबुकी, बैंग और बॉम को देखते हैं और वो तीनों भी एक बैरियर के अंदर बंद होते हैं। तो फुबुकी बोलती है, तुम लोग मुझे मत छोड़ना, सब कुछ ठीक रहेगा जब तक तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मेरी बहन अपनी पावर से मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी एक पत्थर उनके बैरियर को छूकर नीचे गिर जाता है। तो और फुबुकी डर जाती है और बोलती है, मेरी बहन कितनी बड़ी इडियट है। तो बैंग बोलता, अगर ये बैरियर ना होता तो हमारा गेम तो कब का खत्म हो जाता। तो बॉम बोलता, तुम्हारी बहन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। अगले पैनल में हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो इवन नेचुरल वाटर के पास फंस चुका होता है और सोचता, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तभी अचानक वो भी एक बैरियर के अंदर बंद हो जाता है और वो इवन नेचुरल वाटर की बॉडी में से बाहर निकल जाता है। और यही चीज बुसिड्रिल, ओकामा, इटाची और इयान के साथ होती है और वो लोग भी एक बैरियर में बंद हो जाते हैं। तो इयान सोचता, क्या ये तात्सुमाकी का बैरियर है, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। तात्सुमाकी, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, अभी कुछ और लोग रह गए हैं जिनकी जान बचानी है। और इयान बहुत ऊपर पहुंच जाता है और बोलता, अरे यार ऐसे तो मैं उन्हें टाइम पर नहीं बचा पाऊंगा। और इयान बुसिड्रिल और ओकामा इटाची को देखकर बोलता, मास्टर को कहना मैंने उन्हें हाई कहा है। और सोचता, क्या मैं इस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल सकता हूँ। और इयान लगातार उस बैरियर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उस बैरियर को तोड़ डालता और नीचे जाकर प्राइवेट फोर्स के सभी मेंबर्स को एक जगह जमा करने लगता है। तभी कुछ पत्थर इयान के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन इयान अपनी स्वॉर्ड से उन पत्थर को काट डालता है और अपने ट्रांसमीटर में बोलता, मैं इयान बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो तात्सुमाकी, यहाँ पर 7 लोग और हैं, तो एक नया बड़ा सा बैरियर बनाओ। तात्सुमाकी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन तात्सुमाकी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही होती है और तभी बहुत सारे पत्थर इयान पर गिरने लगते हैं। अगले पैनल में हम पिगोड को देखते हैं जो गम के मुंह में दबा होता है, लेकिन उसके आसपास भी एक बैरियर बन जाता है और वो गम के मुंह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन गम उस बैरियर को अपने दांतों में दबाकर वापस से तोड़ डालता है और पिगोड बाहर निकल जाता है और वो दोनों वापस से फाइट करने लगते हैं। अगले पैनल में हम पूरी पूरी प्रिजनर को देखते हैं और वो भी एक बैरियर में बंद हो जाता है और वो सोचता है, अचानक मेरे पीछे का हिस्सा चमकने क्यों लगा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास प्यार का बॉल बन गया। मुझे पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं इसे एंजल ओरा बुलाऊंगा। ओह क्या बात है, मैं तो एंजल फ्लोट भी कर रहा हूँ। उसके बाद हम अमाई मास्क को देखते हैं जो अपनी आंखों को बंद करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो भी एक बैरियर में बंद होकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है और बोलता, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ और डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है और मैं उड़ रहा हूँ। तो फरर अगली बोलता, रोजे तुम उड़ क्यों रहे हो। अगले पैनल में हम होमलेस एम्परर को देखते हैं और उसके सामने भी एक बैरियर बन जाता है, जिसे देखकर होमलेस एम्परर बोलता, अचानक से ये एनर्जी बॉल कहाँ से आ गया, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। और जोम्बी मैन की बॉडी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उस बैरियर को देखकर जोम्बी मैन सोचता, ये बैरियर तो तात्सुमाकी का लगता है, क्या वो मेरी जान बचा रही है, लेकिन उस पियर के अंदर तो मेरे कपड़े ही हैं सिर्फ। ओ अब याद आया, चाइल्ड एम्पर ने जो ट्रांसमीटर दिया था उसकी मदद से तात्सुमाकी हमारी लोकेशन ढूंढ पा रही है। अगर मुझे पता होता तात्सुमाकी ऐसे मदद कर सकती है तो मुझे उसे पॉकेट के बदले अपने सर में छुपा लेना चाहिए था। और फ्लैशी फ्लैश का भी ट्रांसमीटर उड़ने लगता और पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन हिलने लग जाता है। तो साइतामा बोलता, ये तो वापिस हिलने लगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता, लगता है जिस चीज को तुमने पंच मारा था वो तुमसे बदला लेना चाहती है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर उन पे गिरने वाला होता और फ्लैशी फ्लैश उन्हें बचाने के लिए धक्का देता, लेकिन साइतामा जब अपनी एक किक से उस बड़े से पत्थर को तोड़ डालता है। अगले पैनल में हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं जो ब्लैक एस के सामने घायल पड़ा होता है। तो ब्लैक एस बोलता, अब तुम्हारा खेल खत्म, और वो एटॉमिक समुराई को पंच मारने जाता है। लेकिन तभी एटॉमिक समुराई भी बैरियर के अंदर बंद हो जाता है और वो भी ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता, माफ कर देना, लगता है ड्रामा के बीच इंटरवल आ गया है। तो ब्लैक एस बोलता, ओए मुझसे दूर मत भागो एटॉमिक सैंडबैग। और उसके आसपास बहुत सारी दीवार गिरने लगती है और जैसे ही एटॉमिक समुराई अपने ब्लेड को बंद करता तो ब्लैक एस के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ब्लैक एस बोलता, उस हरामखोर ने वापस से काट डाला। और एटॉमिक समुराई जाते जाते बोलता, अलविदा स्पेशल ब्लेड टेस्टिंग मॉन्स्टर। उसके बाद हम तात्सुमाकी और साइकोस को देखते हैं। तो साइकोस बोलती है, तुमने तो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को हिला डाला,
तो इसका मतलब तुम अभी तक अपनी असली पावर को छुपा रही थी और तात्सुमा की कुछ ऐसा करती है जिसके कारण पूरा साइतामा का अपार्टमेंट हिलने लग जाता और सिटी जेड का पूरा सरफेस फट जाता और अंडरग्राउंड में से कुछ निकलने लगता और हीरो एसोसिएशन में एमरजेंसी के सिग्नल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और तात्सुमाकी ने अंडरग्राउंड में से पूरे का पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन को बाहर निकाल दिया होता। उसके बाद हम किंग को देखते हैं तो किंग बोलता क्या बात है, भूकंप रुक गए और सोता है ये अचानक मेरे आसपास इतनी लाइट कैसे हो रही है। तो टेरियो सोता है क्या बात है, जैसा कि अफवाह बताती है कि जरूर किंग का सुपर किंग स्टेट मोड होगा। और किंग एक होल से देखता है कि वो लोग सरफेस के बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गए हैं और अचानक उनके लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वो लोग बहुत स्पीड में नीचे जाने लगते हैं। तो टेरियो बोलता है ये देखो किंग ब्रेक, और किंग उसे दबाता है और बोलता है ये तो रुक ही नहीं रही, मेरी हाथों की ग्रिप बहुत कमज़ोर है। और उनकी लिफ्ट ओरोची के एलिमेंट पर गिरती है जिसके कारण लिफ्ट की स्पीड कम हो जाती है और वो लोग बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनोस आ जाता है और बोलता है ओह किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किंग बोलता है जेनोस तुम यहाँ पर, तो जेनोस बोलता है सेंस से कहाँ पर है, उन्होंने भी बैटल को ज्वाइन कर लिया है। तो किंग बोलता है मुझे नहीं पता साइतामा कहाँ पर है और पता नहीं फुबुकी और बैंक ठीक भी होंगे या नहीं। तभी किंग अपने चारों तरफ ओरोची के एलिमेंट को देखता है और बोलता है ये चिपचिपी चीज क्या है, इसने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन तभी जेनोस अपने एक हाथ से बहुत सारे लेजर निकालकर उन सबको खत्म कर डालता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन को देखकर सोचता है इस बिल्डिंग के टॉप पर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी के सिग्नल मिल रहे हैं। और अचानक उस बिल्डिंग के अंदर से तात्सुमा की निकल कर आती है और तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर से अचानक लाइट निकलने लगती है और उसे तोड़कर साइकोस निकल के आती है जिसका साइज पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बोलती है अब टाइम आ गया है तुम्हें खत्म करने का। और लास्ट में हम साइतामा को जमीन के नीचे दबा हुआ देखते हैं जो बोलता है कितना अंधेरा है। तो दोस्तों ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों ज़ोंबी मैन ने जैसा कि हमें बताया कि तात्सुमा के ट्रांसमीटर की मदद से लोगों की लोकेशन का पता लगा पा रही है, तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगी कि अगर ट्रांसमीटर की वजह से सबकी लोकेशन मिली है तो फुबुकी की लोकेशन उसे कैसे मिली, उसके पास तो ट्रांसमीटर है भी नहीं। दोस्तों इसका कारण है साइकिक पावर। फुबुकी के पास भी साइकिक पावर है जिसे तात्सुमा की महसूस कर सकती है और फुबुकी ने बैंक और बॉम्ब का हाथ इसलिए पकड़कर रखा था क्योंकि अगर उन्होंने फुबुकी का हाथ नहीं पकड़ा होता तो तात्सुमा की सिर्फ फुबुकी जितना ही बैरियर बनाती। अब बात करते हैं फ्लैशी फ्लैश का बैरियर क्यों नहीं बना। अगर आपको याद हो फ्लैशी फ्लैश जब टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम से फाइट कर रहा था तो उसका ट्रांसमीटर पानी में गिर जाता है जिसकी वजह से सिर्फ उसका ट्रांसमीटर ही ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो यारो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना क्योंकि हमें 500 सब्सक्राइबर भी क्रॉस करने हैं जो काम सिर्फ आपके हाथों में। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बेकार वीडियो बना रहा होता तो सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन वीडियोस अच्छी हैं और अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे बताइए ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यारो मज़े करते रहो।